हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुप्रदा लव। देखिए कितना यम्मी डिलीशियस केक है। ये सर मैंगो और कोकोनट से बना हुआ है। तो आइए इसके इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। पहले तो मैदा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, पाउडर मिल्क। यहाँ पहले से मैंने मिल्क को उबाल के ठंडा करके रखा है। ग्रेटेड कोकोनट, टूटी फूटी थोड़ा सा चॉप किया हुआ कोकोनट, चॉप डेट्स मतलब खजूर, चॉप मैंगो और कुछ क्रश किया हुआ कैशू। यहाँ वैनिला एसेंस है, यहाँ मैंगो पल्प है जिसमें ऑलरेडी ऑयल एडेड है, आप चाहे तो बटर भी मिक्स कर सकते हैं, और यहाँ पर पाउडर शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। यहाँ पर एक पतीला हमने बिठाया है, उसमें थोड़ा सा नमक डाला है और स्टैंड लगा कर उसे कवर कर लेंगे। अभी प्रीहीट करने के लिए छोड़ देंगे 10 मिनट्स, उसके बीच हम अपने बैटर रेडी करेंगे। आइए एक पतीले में हम पहले अपना सारे के सारे मैंगो प्यूरी जो बनाए थे ऑयल मिक्स उसे ले रहे हैं। उसे लेने के बाद अभी हम थोड़ा सा मिल्क ऐड करेंगे, जो मिल्क रखे थे सारे के सारे मिल्क ऐड मत कीजिए। मैं बोलूँगी कि थोड़ा मिल्क कभी ऐड कीजिए, थोड़ा रख दीजिए, बाद में काम में आएगा। उसे अच्छे से मिक्स कीजिए। देखिए कैसे अच्छे से मिक्स हो गया है मैंगो प्यूरी के साथ मिल्क। अभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। मैंने यहाँ मैदा डाला हुआ है, मेरा तो 2.5 कप लगा था मैदा। तो आप कितना बड़ा केक बनाएंगे आपके अकॉर्डिंग। अभी उसके बाद हम पाउडर मिल्क डालेंगे। 1 टेबल स्पून में यहाँ पर पाउडर मिल्क ऐड कर रही हूँ, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बेकिंग पाउडर डालेंगे, उसके बाद हम थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालेंगे। अभी 1/4 टीस्पून, 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा भी 1/4 टीस्पून। उसके बाद हम यहाँ पर अच्छे से उसे मिक्स करेंगे। अभी जो मिल्क था उसे जिस बाउल पर मैंगो पल्प था उसी में मिक्स करके वही जो मिल्क है मैंगो मिल्क उसे मैं अच्छे से इसके साथ मिक्स कर रही हूँ। अच्छे से इसे मिक्स करें ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। अब देखिए बैटर की कंसिस्टेंसी कितनी रहती है। आप अच्छे से उसे चलाकर अच्छे से उसे मिक्स कर दीजिए। मुझे थोड़ा और चाहिए, तो जितना मिल्क था तो मेरा पूरा का पूरा लग गया। तो अच्छे से अभी हम सारे इंग्रेडिएंट्स डालेंगे जो कि मैन है। ग्रेटेड कोकोनट डालेंगे, मुझे थोड़ा ज़्यादा पसंद है। तो उसके बाद टूटी फूटी डालेंगे, उसके बाद हम कैशू डालेंगे, फिर हम मैंगो डालेंगे। सब में से थोड़ा थोड़ा आप रखिए, ऊपर डेकोरेट करने के लिए मैं रख रही हूँ। अगर आप चाहें डेकोरेशन किसी और से करें तो फिर ठीक है, आप चेंज कर सकते हैं, सारे के सारे डाल सकते हैं। खजूर डाल दिया और कटा हुआ नारियल भी हमने डाल दिया है, मेरी फेवरेट है, बताई थी आपको। फिर अभी इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इसका एक अच्छा सा बैटर हम बना लेंगे। बहुत ही टेस्टी यम्मी यम्मी दिख रही है अभी से। आप लोगों को कैसे लग रहा है आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे बताएं। अभी मैं 2 से 3 ड्रॉप्स वैनिला एसेंस डालूंगी जस्ट फॉर एसेंस। हमें मैंगो और कोकोनट का फ्लेवर चाहिए। अभी मैं केक टिन पर ऑयल लेके इसे हाथों से इसे ग्रेस कर रही हूँ। आप चाहे तो ब्रश भी कर सकते हैं, बटर पेपर है तो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं सिंपल तरीके से कर रही हूँ। अभी थोड़ा सा डस्ट मैदा को इसमें डस्ट कर रहे हैं हम, पाउडर मैदा को, ताकि केक चिपके ना और अच्छे से डीमोल्ड हो जाए। देखिए हमारा केक टिन तैयार हो गया है। अभी हम अपने जो बैटर रखे थे उस पर जो शुगर था पाउडर शुगर उसे हम लास्ट में ऐड कर रहे हैं, क्योंकि सारे के सारे मैंगो और जो खजूर होता है कोकोनट होता है सारे के सारे स्वीट डिश है,
हम देखने के बाद शुगर ऐड किए लास्ट को अच्छे से। उसे मिक्स करने के बाद अभी हम केक टिन में डाल देंगे अपना बैटर को अच्छे से। अभी हम थोड़ा सा केक टिन को टैप टैप कर देंगे ताकि कहीं पर भी हवा ना रहे, नहीं तो बबल्स हो जाएंगे, हमारा केक अच्छे से फूलेंगे नहीं। अभी हम डेकोरेट कर रहे हैं, जो चीज़ें रखे थे वही, डेट्स, मैंगो, कोकोनट, ग्रेटेड कोकोनट, कटे हुए कोकोनट, कैशू और टूटी फूटी से, वही सारी चीज़ें केक के अंदर भी लोडेड हैं। बहुत यम्मी लगेगा, देखते रहिए। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, एक बार ज़रूर बनाए और कमेंट बॉक्स पर बताएं कि कैसा लगा आपको। देखिए इसे अभी हम अच्छे से डेकोरेट, मुझे तो भरा भरा डेकोरेशन अच्छा लगता है। आप लोगों को जैसे अच्छा लगे आप वैसे ही डेकोरेट कर लीजिए। अभी हम ये केक टिन को लेके वो जो पतीला प्री हीट के लिए रखे थे उसके अंदर रख देंगे, फिर इसे कवर करके 40 टू 45 मिनट्स छोड़ देंगे लो फ्लेम पर। याद रखें कि लो फ्लेम पर। देखिए 45 मिनट्स के बाद मैंने चेक की हूँ, मेरी टूथपिक एकदम परफेक्ट निकली है, कुछ भी नहीं चिपका है। देखिए डीमोल्ड करने के बाद मेरे केक एकदम परफेक्ट है, कहीं पर टूटा नहीं है, स्पॉन्जी है, देख सकते हैं। अभी एक ट्विस्ट है, देखिए इसे और भी यम्मी बनाने के लिए हम पहले इसके बीच से इसे टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। उसमें अभी मैं मिक्स फ्रूट जाम यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो यहाँ पर कुछ भी स्ट्रॉबेरी सिरप या फिर कुछ भी ऐड कर सकते हैं, बट आप यहाँ पर क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर जाम अच्छा लगा क्योंकि सबके घर पे अवेलेबल रहता है जाम, बच्चे रहते हैं, बच्चों को जाम बहुत अच्छा लगता है, बड़ों को भी अच्छा लगता है, सब लोग खा सकते हैं और ये पॉकेट फ्रेंडली होगा। और अभी जो ऊपर का सेक्शन था उसे हम उसके ऊपर रख के सेट कर लेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर सेट कर चुकी हूँ, अभी आप मेरे केक का लुक देख सकते हैं। अभी मेरे हस्बैंड इसे काट रहे हैं, उनका हैप्पी बर्थडे था इसीलिए उनका बर्थडे स्पेशल केक था। तो देखिए आप लोगों को कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, नेक्स्ट वीडियो में देखिए।